मामूल पिछले सवाल जो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर एक ये कह रहे हैं कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन एंड चेक योर सॉल्यूशन। मंजरिल मसावतों को हल कर ले और इस मसावत को हमने हल करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, दोबारा उसकी हमने पड़ताल भी करनी है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक, तो इसके फ्यू स्टेप्स होते हैं, वही स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लें तो किसी भी सवाल को आप कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है कि आपने ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको आपने क्या करना है, ख़त्म करना है। उसका तरीका क्या है कि इन सब का आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम के साथ बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल आपने ये काम करना है। तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास, 6, 2, 4 और ये 12, इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने का आप तरीका हम जानते हैं, 2 पर डिवाइड करें, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 4, 6 2 12, फिर किस पर, फिर 2 पर, ये नहीं जा रहे इस चीज़ रखेंगे, ये भी इस चीज़, 2 1 2, 2 3 6, फिर किस पर जाएगा, 3 पर, 3 1 3, 1 1, ये 1। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6, 6 2 12, तो ये 3 × 2 × 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 12, तरफ़ैन को 12 से ज़रब देने से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12। ठीक, और ये एग्जाम्स हमने पढ़ा है कि इक्वेशन में अगर दोनों साइड को एक ही रकम के साथ मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 12x + 5/6, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, ये 12, 14 − x / 2 − 1/4, 12 × 2x − 7/12, ये ओके। अब इसको कॉमन फैक्टर को ख़त्म कर लें, 6 × 6 = 12, 6 × 6 = 12, ये कितना आ गया, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इसको इस तरह रखना है 2x + 5, इस तरह। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। पहला साइन को मल्टीप्लाई करें, −×+, ये माइनस, 12 × 14 − x / 2, ये ब्रैकेट आप लगाएं अपनी ताकि कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर भी इसी तरह ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब पहला साइन आपने मल्टीप्लाई करना है, −×−+, 12 × 1/4, ये डॉट का मतलब भी ज़रब होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, ये सिंपल इसके साथ कैंसिल, बाकी क्या बचा, 2x − 7। ठीक है, यहाँ तक जी, यहाँ तक अगर आपने समझा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि बाद में ना बोले आप, नए व्यूअर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, अब अगेन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 × x, 2x, ये भी प्लस, ये भी प्लस है, तो प्लस आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10, यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसल कॉमन फैक्टर, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 = 12, ये 6 × 14 − x, चलो यहाँ पर क्या होगा, 4 1 4, 4 3 = 12, ये 3 आ इक्वल, ये 2x − 7। ठीक, अच्छा जी, अब 2x + 10, ये इसके साथ भी, अगेन ये इसके साथ भी, ये माइनस, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, 6 × 14, 6 × 6 = 24, 1 × 6, 6 × 2 = 8, बिल्कुल सही, −×−+, 6x, 6, ठीक है, तो −×+−, ये आ गया, अब −×−+, 6x, ठीक, ये क्या याद है, क्लियर। अब हम इनको करीब लाए, देखें 2x, x वाली जो सिमिलर रकम है, ये प्लस इसका है, तो +6, ठीक, ये देखिए −84, अच्छा इन दोनों को माइनस कर ले,
माइनस करिए आ जाएगा 74, फिर यहाँ पर ये 3 भी बच गया। ये चलो आप इनको एक ही स्टेप में भी कर सकते हो, ले चूँकि हर कोई देख रहा है तो इस वजह से स्टेप बाई स्टेप इसको कर ले, वरना आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई सी बात नहीं। ओके जी, 2x-7 याद है, क्लियर। अच्छा जी, ये दोनों जमा हो रहा है तो ये भी प्लस है ये। अच्छा, कोई साइन ना, उसका मतलब प्लस होता है, तो ये प्लस 2x+6x ये आ गया 8x। -74+3 ये माइनस होगा, कितना आ गया हमारे पास 71, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 2x-7। अब आपने x को वाली रकमों के एक तरफ करना है, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है इस तरफ आकर, क्या होगा माइनस होगा। अलग तरीका ये होता है कि अब जो जिसको इस तरफ लाना है उसका अपोजिट जो एडिटिव इन्वर्स है दोनों तरफ आप ऐड कर लें, लेकिन ये शॉर्ट मेथड अब पहले सीख चुके आप लोग पढ़ते आए हो कि एक चीज़ अगर यहाँ पर प्लस और इस तरफ आकर क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह हम इसको कर लेंगे, ये 8x, इसको इस तरफ जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, इसको तो जब आप उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या होगा प्लस होगा, ये 7x। क्लियर, 8x-2x कितना आ गया हमारे पास 6x। अच्छा, 71-7 64, चल यहाँ पर जगह नहीं हो। ये x को हमने फाइंड आउट करना है तो एक x को यही रखे, 64/6 यहाँ पर मल्टीप्लाई और सिर्फ जाकर क्या होगा डिवाइड होगा ये। अब ये किस पर जाएगा, 6 पर तो नहीं जाएगा, 3 पर, 2 पर, 2 × 3 = 6 कितना 32/64 इतना हो गया। ओके जी, x इक्वल टू 32/32/3 ये चीज़ आ गई। अब हमने इसको क्या करना है, इसकी पड़ताल हमने करनी है, चेक करना है कि आया ये सही है या नहीं। तो लेट्स डू द सेकेंड पार्ट, ये पहला पार्ट आप कह सकते हैं, दूसरा पार्ट हमने इसको चेक करना है कि क्या ये सही है या नहीं, ठीक है। चेक पड़ताल, ओके सिंपल, आपने ये करना है कि पुट x इक्वल टू 32/3 इन गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसमें आपने पुट करना है, क्या है हमारे पास x प्लस 5/6 - क्या है 14-x/2 - 1/4 ये, इस तरफ क्या है 2x-7/12 इसमें हमने पुट करना है, फिर LHS को अलग अलग करना है, इट इज़ RHS को उसी तरह इंटेक्ट रखना है उसको, फिर देखेंगे LHS RHS बराबर आता है या नहीं। तो देखें सर इसको, इसकी जगह आ गया 32/3+5 / 6 14-32/3 ये 2 ये 1/4। सिमिलरली यहाँ इस तरफ 2 × 32/3 - 7/12 ठीक सही है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये जो ऊपर है इनका LCM लेना है, इजाफिया कर लेना है, ये 1 है तो 3 और 1 का इजाफिकल आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, 3 को 3 पर डिवाइड करो 1 आएगा, 1 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करो 32 आ जाएगा, फिर ये जाकर 1 को 3 पर डिवाइड करो, 3 को 1 पर डिवाइड करो 3 आ जाएगा, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले 15, ठीक है। और होल डिवाइडेड ये मेन डिवीजन है, डिवाइडेड बाई 6 ये माइनस, फॉलो कर रहे हैं ना, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर इसके नीचे 1 है तो इनका भी इसी तरह 3 आ जाएगा, फिर 3 जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये 42, 3 को 3 पर डिवाइड करो 1 आ जाएगा ये 32, फिर मेन डिवीजन क्या है 2 ये और ये 1/4, फॉलो की बात को। यहाँ पर थोड़ा सा क्रूशियल मोमेंट है, आप इसको तसल्ली से और समझ के आपने करना है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखिए ये दो सिर्फ 2 के साथ, ये 32 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे के साथ अगर कट गया तो ठीक है, अब नहीं कट रहा तो सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 64/3 आ गया डिवाइडेड बाय 7 होल डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अच्छा जी, आप इन दोनों को जमा कर ले, 32 + 15 कितना आ गया 47,
47 बटा 3, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये डिवाइड हो रही है, ये जो मेन डिवीजन है इसका मतलब है डिवीजन, डिवाइड, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी 32 में से ये निकाले कितना बचेगा, 10 बच गया। तो ये 3 अगेन, यहाँ पर भी ये जो मेन डिवीजन है आप इसको डिवीजन में चेंज कर लीजिए, इस तरह। बात क्लियर? ये ख्याल करना है। ये अगेन 7, इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है। 7 के नीचे क्या है? 1, तो इन दोनों का आपने क्या लेना है? 3 का। ये 64 आ जाएगा, ये 3 जाकर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये, और ये जो मेन डिवीजन है आप इसको बिल्कुल चेंज करें दोबारा, ये जो मेन डिवीजन है आप इसको डिवीजन के साथ में चेंज करें ताकि मज़ीद मुख्तसर हो जाए। क्लियर बात? यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर इसको ये जो बड़ा बटा था उसको हमने फ्रैक्शन था उसमें डिवीजन, उसको डिवीजन में चेंज किया। ओके जी, तो जब भी आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं सेकेंड टर्म क्या हो जाता है? वो उलट जाता है। 47 ये उल्टा हो जाएगा, तो ये उलट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह ब्रैकेट के अंदर 10/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 1/4, ये इस तरफ भी इसी तरह 64 माइनस 21 कितना होगा? 4 माइनस 1 ये आ गया 3, 6 माइनस 2 ये 4 डिवाइड बाय 3, ये भी इसी तरह यहाँ पर ये दोनों फैक्टर ऐसा है जो 47 इसके साथ नहीं कट रहा, तो ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे, ये आ जाएगा 47 नीचे क्या होगा? 18 माइनस, यहाँ पर आप देखिए ये दोनों कट रहे हैं, 2 × 2 = 10 2 × 2 = 10 ये, तो क्या बचा? 5/3 माइनस 1/4 ये इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए ये भी नहीं है, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले 36। बात याद तक सही? ओके जी, अब इसका मतलब है कि ये जो LHS है उसका भी आंसर ये आना चाहिए, तो ज़रा देखते हैं कि वो आता है नहीं आता। तो 47/18 माइनस ये, इन दोनों का LCM आप ले ले, इन दोनों का LCM आ जाएगा 12, ठीक है। 12 को 3 पर डिवाइड करें 4 आएगा, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो 20, ठीक है। इसी तरह 12 को 4 पर डिवाइड करो 3 आ जाएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें ये 3, ठीक है। ये 43/36 ओके जी, 47/18 यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? बस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे ही, 17 यस 17/12 ये माइनस यही ब्रैकेट हमने ख़त्म कर लिया, ये 43/36 ठीक। अब इन दोनों के एलसीएम लेंगे, इन दोनों के एलसीएम क्या आएगा? 18 और 12 का एलसीएम ये भी 36 आना चाहिए, पहले तो 2 पर डिवाइड करिए 9, ये 6, फिर किस पर? 3 पर, 3 × 9 ये, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 × 3 × 3 × 2 ये कितना आ जाएगा? 36, तो दैट मीन्स इन दोनों का एलसीएम 36 आ गया, काफ़ी क्लोज हम पहुंच रहे हैं, ये 36 आ गया जी। 36 को आप 18 पर डिवाइड करो 1 आ जाएगा, 1 को 47 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 47 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा? 7 × 2 = 14 एक हासिल इतना 94। अच्छा जी, 36 को 12 पर डिवाइड करो 3 आ जाएगा, 3 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कर लो 51, ठीक 43 ये 94 - 51 कितना आ जाएगा? 43 यस एग्जैक्टली 43 ये चीज़ आ गई आए यस 5 - 1 = 3 9 - 4 = 3 9 - 5 = 4 ये 36 इज इक्वल टू 43/36 इसका मतलब क्या हुआ? LHS
इज इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये जो x की वैल्यू है दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, राइट? सो दैट्स वाई द लास्ट स्टेप, दस द सोल्यूशन सेट, ये मुख्तसरन सोल्यूशन सेट या हल सेट हमारा क्या होगा? हल सेट इसको नहीं लिखना है, ख्याल करना है, एक्स की वैल्यू को लिखना है, ठीक है? क्या है हमारे पास? 32/3, ये दैट इज आवर आंसर, ठीक? समझ में आ गए बात? इनमें से कंफर्म कभी कभार आता है, ये पिछले इसमें से आता है, ठीक है ना? अब कौन सा आता है वी डोंट नो, बट इसमें इसमें से अभी देखें, पिछले साल 2019 में ये आया था, ये इसका ये पार्ट आया था, इससे पहले भी अगले सवाल में से ये आया था, तो ये इसमें से आते हैं, तो इनको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस, बाज़ात एग्ज़ाम्पल भी आता है, ये याद रख रहे हैं। ये देखें ये 2019 में आया था, हाँ, और एक और पर मैंने नोट किया था, पर तो सवाल आते रहते हैं। सो दैट्स इट, समझ में आ गया बात? दो स्टेप का काम है, थोड़ा लंबा है, लेंथी है, तो इसको आप टाइम दे दें, बाकी आप खुद कर ले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आने वाले व्यूअर्स।